नमस्कार, मैं इंस्ट्रक्टर एसटीटीसी गाजियाबाद सुभाष चंद। आज मैं आपको पब्लिक एड्रेस इक्विपमेंट जो रेलवे में गाड़ियों के आवागमन, प्रस्थान, कोर्टेसीज मैसेजेस, इमरजेंसी मैसेजेस, यार्ड्स में एआरटी में हम अनाउंसमेंट सिस्टम, भीड़ क्राउड कंट्रोल के लिए लगाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। जिसमें मुख्य रूप से हम अगर ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट करते हैं तो उसमें हमें एक पीसी की ज़रूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन आधारित पे अनाउंसमेंट हम करते हैं। सामान्य हमें एक एम्पलीफायर की, एक माइक की और एक स्पीकर्स की, चाहे वो स्पीकर्स कोई भी हो, लाउड स्पीकर बलफान टाइप हो या कौन टाइप हो, इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मूविंग कॉयल माइक्रोफोन है, डायनेमिक जिसको बोलते हैं, और इसका काम होता है कि हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और इसको हम सामान्यतः एम्पलीफायर के जो सामने देख पा रहे हैं आप, माइक पोर्ट में हमने लगा रखा है। ये माइक पोर्ट है, माइक पोर्ट में हम लगा के रखते हैं। और वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज और कॉमन और वोल्टेज पे, वोल्टेज मैचिंग पे हम स्पीकर्स को जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कॉमन 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, जिस पे हम कॉमन और 100 वोल्ट पे इसके कनेक्शन दे रखे हैं। रेलवे में वोल्टेज मैचिंग का ही इस्तेमाल होता है। इसके पीछे तमाम पोर्ट हैं, जिसमें लाइन आउट है, लाइन इन है, जो दो एम्पलीफायर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम करते हैं। 24 वोल्ट डीसी का, इसको एम्पलीफायर को हम डीसी से भी चला सकते हैं। 240 वोल्ट एसी का, 50 हर्ट्ज एसी का है, इस एसी पे भी हम चला सकते हैं। अर्थ का है, फ्यूज है, ये सारे इसके पीछे के कंट्रोल्स हैं, जिसके द्वारा हम ये पीछे से कनेक्शन हम स्पीकर्स जोड़ते हैं, पावर देते हैं, और एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर के बीच में हम जोड़ते हैं। सामने के एम्पलीफायर के कंट्रोल्स हैं, ट्रेबल है, इसको बढ़ाने से आवाज़ पतली आवाज़ होती है, हाई फ्रिक्वेंसी का रिस्पांस बढ़ जाता है। ये बास है, इसको बढ़ाने से ये लो फ्रिक्वेंसी का रिस्पांस बढ़ जाता है। ये मास्टर है, इसके बढ़ाने से कंप्लीट आपका सभी पोर्ट्स के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। और ये इंडिविजुअल है, ये जो इसका इंडिविजुअल है आप देख पाएंगे, ये माइक 1, 2, 3, 4 है। इसका जो ऑप्शन दिया, ऑक्सिलरी है और माइक भी है। ऑक्सिलरी, जब भी ऑक्सिलरी पे हम कंप्यूटर या मोबाइल लगाते हैं, ऑक्सिलरी पे करके इसको, जैसे ऑक्सिलरी पे कर दिया है, माइक पे करेंगे तो माइक्रोफोन लगाएंगे। अगर कोई माइक पोर्ट ख़राब है तो, कोई ऑक्सिलरी पोर्ट ख़राब है तो हम माइक कंप्यूटर को माइक पोर्ट पे भी लगा सकते हैं, बट आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है, आवाज़ अच्छी नहीं होती है। और इसमें भी देखिए, जैसा ये एम्पलीफायर है, बॉक्स टाइप में बॉक्स स्पीकर है, हॉर्न स्पीकर है, इस तरह से। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक में है, ये आपका लेवल इंडिकेटर है। जब हम इससे बोलते हैं तो इस पर लेवल, इसके लेवल इंडिकेट करता है कि ये कितनी आवाज़ जा रही है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये स्पीकर में रेलवे में सप्लाई होती है, मिड रेंज का स्पीकर है ये, वोल्टेज मैचिंग है। फ्रंट व्यू है, इसका बैक व्यू हम देखेंगे। जैसा कि ये स्पीकर आप देख पा रहे हैं, ये 6 वाट का स्पीकर है, और जनरली रेलवे में जो कोचेज है उसके ऊपर आपका जो छत है उसके ऊपर, उसके अंदर लगाई जाती है गाड़ी अनाउंसमेंट के लिए। इसमें एक देख पा रहे हैं कि LMT है, ये LMT है। रेलवे में जो भी स्पीकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें LMT अवश्य होती है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, हम लंबी दूरी तक अनाउंसमेंट करते हैं, लंबी दूरी के लिए LMT को होना ज़रूरी है। और इस तरह से हम LMT पहले इनपुट को LMT में जोड़ते हैं, LMT स्पीकर में जाता है और हम ये कर पाते हैं। हमारे पास ये स्पीकर आते हैं, बॉक्स टाइप स्पीकर आते हैं और हॉर्न टाइप भी स्पीकर आते हैं। जो रेलवे में ओपन जगह पे हम हॉर्न टाइप लगाते हैं, शेड के अंदर बॉक्स टाइप लगाते हैं, और ये रूफ स्पीकर है जो हम आवश्यकता पड़ने में ऑडिटोरियम में, रेल्स के डब्बों में हम लगाते हैं। इन स्पीकरों में पड़ने वाले फॉल्ट जनरली है कि इसकी कॉइल शॉर्ट हो जाती है या LMT ख़राब हो जाती है। कॉइल शॉर्ट हो जाती है, LMT ख़राब हो जाती है, जिसको हम LMT को मल्टीमीटर की सहायता से हम देख लेते हैं LMT सही है कि नहीं है। कॉइल अगर या तो 0 बता रही है या शॉर्ट बता रही है, तो
तो कॉयल ख़राब है, एक सर्टेन रेजिस्टेंस बता रही है तो कॉयल इसका मतलब ठीक है। ज़रा मेजरमेंट करके देखेंगे कैसे करते हैं। इस स्पीकर को चेक करने के लिए पहले तो सबसे पहले इसमें दो जगह फॉल्ट आता है, एक या तो LMT ख़राब हो सकती है या इसका इसके अंदर कॉयल है वो ख़राब हो सकती है। तो उसको हम देखने के लिए देखते हैं कि हमारी LMT ठीक है कि नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये LMT ये इनपुट है और ये इसके LMT के आउटपुट में आप लगा हुआ है। हम इनपुट में देखते हैं, देख पा रहे हैं कि ये हमने मेजरमेंट किया, देखिए इतना रेजिस्टेंस आया, इसका थोड़ा बड़ा हुआ आया, इसका और बड़ा हुआ आया। इस पर हम अगर कनेक्शन करेंगे इस पर तो मैक्सिमम आवाज़ 6 वाट निकलेगी, इससे कम पे निकलेगी, इस पर आपका 3 वाट निकलेगी और इस पर 1.5 वाट निकलेगी आवाज़। इसका मतलब ये LMT ठीक है। इसके बाद LMT के आउटपुट में हम यहाँ पे देखते हैं स्पीकर के लिए, ये कंटिन्यूटी, ये LMT कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर हम इस तार को हटा के चेक करेंगे तो हमें कंटिन्यू कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, जिससे ये पता लगेगा कि हमारा ये स्पीकर ठीक है। वरना इस पर हम एक सेल लगा के 3 वोल्ट का सेल लगा के इसके तार से हम इसको स्पार्क करेंगे, इसमें अगर कट कट की आवाज़ आएगी इसका मतलब ये स्पीकर हमारा ठीक है। हमारा माइक्रोफोन है, कई बार सब कुछ ठीक रहता है, माइक्रोफोन ख़राब रहता है। इसको चेक करने के लिए भी हम या तो माइक्रोफोन ये ख़राब हो सकता है, इसमें कॉयल होती है वो शॉर्ट हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, या ये लाइन कार्ड, इसका कॉयल कार्ड, ये कार्ड है ये ख़राब हो सकती है। तो कार्ड को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर की सहायता से हम इस कार्ड को 1 by 1 इसको हम यहाँ चेक करते हैं, नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ओके है, यहाँ मिल रहा है ओके है, यहाँ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कार्ड सही है। अगर ये कार्ड, इसका मतलब ये कार्ड सही है, कार्ड सही है। इसके बाद हम इसको देखते हैं, आपके माइक्रोफोन को देखते हैं, माइक्रोफोन ख़राब है सही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें 556 ओम मिला, इसका मतलब ये एम्पलीफायर ये ठीक है। अगर ये 556 ओम नहीं मिलता, 0 मिलता या कुछ भी नहीं मिलता, तो ये हमारा माइक्रोफोन ख़राब था। इस प्रकार से माइक्रोफोन की जांच, इसकी लीड की जांच हम कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है। जहाँ तक एम्पलीफायर में पड़ने वाले फॉल्ट हैं, इसमें जब हम ऑन करते हैं तो इसमें पावर आनी चाहिए। अगर पावर आ रही है फिर तो ठीक है, वरना पावर इसमें शो नहीं कर रहा है तो इसके पीछे लगे हुए फ्यूज को हम चेक करते हैं। अगर वो फ्यूज ओके है तो इसके बाद ये नेक्स्ट इसे सर्किट का फॉल्ट है। जनरली ये फॉल्ट आता है, दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल का, मास्टर कंट्रोल का फॉल्ट आता है, या इन पोर्ट्स का फॉल्ट आता है। इन पोर्ट्स में अगर फॉल्ट है तो अगर या तो इसको रिपेयरिंग कराया जाता है या हम उस पोर्ट को छोड़ के दूसरे पोर्ट का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, ओवरलोड। ये ओवरलोड जब जल जाता है, ओवरलोड जलने का मतलब हुआ कि या तो कहीं लाइन में शॉर्ट सर्किट है या ये एम्पलीफायर ख़राब हो गया है। तो ओवरलोड कंडीशन में या तो हमने ज़्यादा लोड दे रखा है, जैसे कि ये 250 वाट का है और हमने इस पर 300 वाट 400 वाट दे रखा है, तो ओवरलोड तब भी आ जाता है। ओवरलोड आने की कंडीशन में हम रीसेट बटन दबा देते हैं। अगर कोई थोड़ी सी दिक्कत आई, ये रीसेट होने के बाद ठीक हो जाता है, फिर तो ठीक है। अगर इसके बाद दोबारा बार बार ओवरलोड आ रहा है तो हम इसको फिर या तो लोड चेक करते हैं, लोड कितना है या कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हाँ ये अगर या तो एम्पलीफायर ही गड़बड़ हो गया है तो एम्पलीफायर हम ठीक कराते हैं। तो इस प्रकार से हम एक PAE जो लगाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।